हेलो मित्रों, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज के इस ब्लॉग में आपको स्ट्रीट साइड चिकन फ्राई चिकन वाली डिशेस दिखाऊंगा, जो कि मौजूद है मिर्ज़ा गालिब जो कॉलेज है दोस्तों, उसका जो बड़ा वाला गेट है, जो मेन एंट्रेंस है, जो पुरानी वाली गेट है, जो गोलंबर के पास है, उसके ठीक सामने ये भाई साहब लगाते हैं। देख सकते हो, लाजवाब चिकन तंदूरी दोस्तों, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत टेस्टी ये चिकन फ्राइज देते हैं, बनाते हैं दोस्तों। और जिम वाले यहाँ पे जो जिम भी करते हैं दोस्तों, उनके लिए भी सिर्फ रोस्टेड चिकन देते हैं विदाउट मसाला। हल्का फल्का मसाला रहेगा दोस्तों, लेकिन जो एकदम बटरी एकदम से ऑयली होता है वो नहीं रहेगा दोस्तों। तो आपको आगे दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर जब भी आप विज़िट करो दोस्तों, तो शाम में 6 बजे के बाद ही आपको मिलेगा, और यहाँ पे लगभग 5:30 बजे से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है कि भाई साहब ने 50-60 किलो चिकन तंदूरी ही निकाल के रखा हुआ था दोस्तों। पूरा इनका ठेला चिकन के डिशेस से भरा हुआ था। आपको दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पे चिकन तंदूरी लगने वाला है दोस्तों। ये तंदूर को देखो, सुलगा रहे हैं कोयले पर, कोयले को सुलगा रहे हैं, आग को सुलगा रहे हैं। और मैं बहुत देर से यहाँ वेट कर रहा था कि मेरा टर्न कब आएगा दोस्तों। और आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे अभी शाम के 5:30 बज रहे होंगे और पूरा भीड़ लगना शुरू हो गया, पूरा ट्रैफिक लगना शुरू हो गया, क्योंकि अभी सरकारी छुट्टियाँ होती हैं 5 बजे से। और दोस्तों, ये गया का अच्छा खासा पॉश इलाका है मिर्ज़ा गालिब, जो कि डेल्हा मोड़ है, और सीधे निकल जाओ गोलंबर सीधे निकल जाओगे तो वहाँ पर सर्किट हाउस है, व्हाइट हाउस कॉलोनी और कटारे हिल रोड है दोस्तों। प्लीज़ कमेंट करना, बताना दोस्तों कि आप लोग यहाँ पर आए हो, खाए हो मिर्ज़ा गालिब, आप कैसा लगता है? गांधी मैदान के पास बहुत अच्छा लगता है गया में, अगर आओ। और अगर आप रेंट पर रहते हो दोस्तों, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि आपको बहुत मन लुभाएंगी और अच्छा लगेगा घूमने में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ। चलो आपको थोड़ा सा इसका यहाँ का लोकल वोकल्स आपको सुनाता हूँ, कितना यहाँ पर रश शोर शराबा है दोस्तों। दोस्तों, इस लाजवाब चिकन कॉर्नर में आपको बहुत सारे चिकन के वैरायटीज़ मिलेंगे, चिकन टिक्का, चिकन लेग कबाब, चिकन पकोड़ा। फिर से दोस्तों, ये देखो चिकन का पहाड़ तंदूरी का है ना। अब दोस्तों, हमारी प्लेटिंग आ गई है। एक्चुअली हमारी मैंने मंगाया था जिम वाला चिकन, लेकिन मैडम ने बोला कि उसने चिकन पकौड़ा खाने का मन था दोस्तों। ये मात्र 30 रुपीज़ का, और 5 पीसेस दिया दोस्तों, और बड़े बड़े पीसेस दोस्तों, आप देख सकते हो पीसेस। और रियली दोस्तों, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। ऐसा ही नहीं लग रहा था कि मैरिनेशन ऊपर पर कॉर्नफ्लावर मैदा बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं दोस्तों, एकदम से थिन मैरिनेशन थी, और पूरा का पूरा वर्थ चिकन था दोस्तों। और टेस्ट काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ग्रीन चटनी है, चाट मसाला देता है दोस्तों। मैडम ने मुझे भी ज़बरदस्ती खिलाया, मुझे तो जिम वाला खाना था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया दोस्तों। और देख सकते हो, एकदम से धुआं निकल रहा है, और बहुत ही टैंगी चटपटा दोस्तों, मतलब मैं वो क्या बोलते हैं उसको, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मुंह में पानी आ रही देख देख कर दोस्तों। और देखो, मैडम पूरा एकदम से लुफ्त उठा रही है चिकन पकौड़ा का, और रियली दोस्तों काफ़ी अच्छा है दोस्तों। आप अगर गया में रहते हो तो मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के बड़े वाले गेट के जस्ट आगे विजिट करो दोस्तों, शाम में 6 बजे के बाद बहुत टेस्टी टेस्टी चिकन मिलेगा दोस्तों। वहाँ पे आपको चिकन फ्राइड की रेसिपीज मिलेंगी, बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा और फुल इन्जॉयमेंट है दोस्तों, है ना। ठंडी में मज़ा आता है एक्सप्लोर करने में प्लेसेस को। अब ये देखो दोस्तों, उस समय तो तंदूर का काम नहीं था, तो चिकन पकौड़ा को वैसे ही फ्राई करके दिया गया। अब तंदूर देखो लगा रहे हैं, पूरा आग निकल रहा है एकदम से चिंगारी, और भीड़ पहले लगनी शुरू हो गई है। और दोस्तों, ये एक्चुअली क्या करेंगे कि सारे जितने इन्होंने अपना रॉ चिकन तैयार कर रखा था तंदूर के लिए, टिक्का के लिए या लेग कबाब के लिए, ये सबको एक बार पे रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि उसने बोला कि अगर रोस्ट नहीं करेंगे ना तो दोस्तों ये तेल छोड़ देगा, तो इसलिए सबको पहले रोस्ट किया इसने। टोटल इनके पास जितने भी रॉ चिकन थे मैरिनेटेड, सबको रोस्ट किया, फिर एज़ पर डिमांड ये तंदूरी बनाकर देते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, पहला बार रोस्ट कर लिया सबको तंदूरी, और सबको ऐसे डिस्प्ले के तौर पे लगा लिया ताकि लोग अट्रैक्ट हो। और दोस्तों, ये देखो मेरा चिकन जिम वाला ये रेडी है दोस्तों। आप ये मत सोचते हैं कि बहुत मसाले हैं, बहुत ही लाइट मसाला डाला है इसने बस ऊपर से दोस्तों, अंदर में कोई मसाला नहीं है। अगर आप जब तंदूरी चिकन खाने जाओगे तो ये 2-3 बार और मसाले डालते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों, कितना टेंडर है दोस्तों, और एकदम जूसी, बहुत ही डिलीशियस दोस्तों। और ये मात्र 2 पीस चिकन तंदूरी दिया दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, जस्ट फॉर 130 रुपीज़ दोस्तों।
और चिकन पकौड़ा जो था वो 30 रुपये का था मैंने बताया दोस्तों, जो कि सबसे महंगा डिश ये चिकन तंदूरी यहाँ पे है 130 रुपीज़ में। और आप देखते देख सकते हो दोस्तों, सुन सकते हो दोस्तों, देख नहीं सकते, मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख कर ही मेरा ये वीडियो को। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही जिम वाला चिकन चाहिए, चाहे चिकन टिक्का हो या चिकन तंदूरी हो, बिना मसाले का, बहुत ही लाइट मसाले का, विदाउट ऑयल एंड बटर दोस्तों, तो आप गया में अगर रहते हो तो मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के मेन गेट के पास आओ, जो कि गोलंबर के सामने है, और शाम में 6 बजे दोस्तों लाजवाब तंदूरी कॉर्नर में या लाजवाब चिकन कॉर्नर में आकर अपने चिकन का मज़ा ले सकते हो दोस्तों। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आगे। तो दोस्तों रोड साइड स्ट्रीट चिकन खाकर तो मज़ा गया दोस्तों। उसके बाद मैडम ने बोला कि भाई मुझे बर्गर सिंह ले चलो, क्योंकि दोस्तों बर्गर सिंह में भी आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे बहुत ही अच्छा चिकन बर्गर्स मिलता है दोस्तों। यहाँ पे फेमस क्या जो हमें पसंद है दोस्तों, वो है निकू सिंह डबल पैटी, वो मुझे बहुत पसंद है, और मैडम को भी डबल पैटी निकू सिंह ही बहुत पसंद है। साथ में हमने फ्रेंच फ्राइज़ लिए, और यहाँ का फ्रेंच फ्राइज दोस्तों थोड़ा सा है डेकोरेटिव जैसा होता है ना, जैसे फ्रेंच फ्राइज तो नॉर्मल होते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंग स्प्रिंग जैसा होता है, तीखा वाला था। और हाँ हमने वो लिया था पेपरिका वाला लिया था, और देख सकते हो डाइट पेप्सी है। और दोस्तों डाइट पेप्सी मैंने पहले सुना था कि शुगर होता है, लेकिन जब मैंने इसका चेक किया इंग्रेडिएंट लिस्ट और सारे जो भी इसमें होते हैं, तो उसमें शुगर वगैरह कुछ भी इसमें नहीं था दोस्तों, सब 0.0 ग्राम 0.0 ग्राम था दोस्तों। ये देखो दोस्तों फ्रेंच फ्राइज है ना, काफ़ी अच्छी थी। और हमने एक चोकोलावा केक भी लिया दोस्तों, और आप देख सकते हो अभी बताएंगे आपको कैसा टेस्ट है इसका। हम नहीं पियेंगे, सिर्फ तुम पियोगे, ठीक? ठंडा दोस्तों। बर्गर सिंह का जो लोकेशन है वो मिर्ज़ा गालिब जो गोलंबर है दोस्तों, जस्ट वहीं पे है जहां हमने अभी चिकन खाया था, चिकन का आइटम बस वहीं पे है, गोलंबर के जस्ट सामने में ही है। तो अगर आपको मन करे तो आप जा सकते हो और मज़ा ले सकते हो बर्गर किंग का, बर्गर सिंह का दोस्तों बर्गर सिंह का नहीं, बर्गर सिंह में जाकर चिकन बर्गर का दोस्तों। क्या चीज का सिंबल है? क्या लिखा हुआ है? चुप हाथ में हड्डी पहले और दोस्तों यहाँ पे अभी दिसंबर चल रहा है, शादियों का मौसम चल रहा है दोस्तों, तो जिन जिन भाई की दिसंबर में शादी हुई है सबको बधाई हो, बहुत लाइफ में एंजॉय करो, एकदम से मस्ती करो, मस्ती फाड़ के एंजॉय करो दोस्तों। और दोस्तों बस आज का व्लॉग यहीं तक था दोस्तों, फाइनली सब अच्छे से हम लोग पेट पूजा करने के बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अच्छी नींद आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो दोस्तों, और फॉलोवर्स बिल्कुल नहीं दोस्तों, देख सकते हो बहुत कम फॉलोवर्स है दोस्तों, नॉट इवन 1000 में दोस्तों, तो आप ही कर सकते हो दोस्तों। चलो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, सी यू।